ऑडियो ओम प्रकाश यू नॉट ऑडिबल जी सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ या प्लीज स्टार्ट करें ओम थैंक यू प्रकाश सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है ई पाठशाला के सेकंड सेशन के अंदर। और आज हम आपको बताने वाले हैं काफी रोचक जानकारी है, जो कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग आप घर पे किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या आपको साधन चाहिएंगे, और रेंज के फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे कि रेंज कैसे बनाई जाती है, रेंज कैसी होती है, रेंज के क्या क्या डायमीटर्स हैं, कैसी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या क्या होता है, कैसा कैसा होना चाहिए, और उसके बाद में सेफ्टी के बारे में, जो कि एक अहम रोल है, अहम चीज है हमारे शूटिंग गेम से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले जब अपन रेंज के बारे में बात करते हैं, ये डिस्टरबेंस किस चीज का आवाज में, किच 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 की आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रेंज के बारे में कि रेंज कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम जब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो टेबल है जहाँ पे शूटर खड़ा होता है, तो ये टेबल का हाइट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ से 10 सेंटीमीटर पहले, जैसे कि शूटर यहाँ खड़ा होता है, शूटर का पैर रहता है, तो यहाँ से लेकर के और टारगेट का जो सरफेस है वहां तक 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो 10, इसीलिए इसको 10 मीटर शूटिंग रेंज बोलते हैं। तो 10 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से लेकर के वहां तक। ये मोस्टली इंडोर होती है, अगर होम प्रैक्टिस के लिए अपन कैसा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली जब ISSF के लिए जो अप्रूव्ड रेंज है वो इंडोर होती है। और उसके बाद में यहाँ से जो डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, तो आगे आ जाता है टारगेट आपका। टारगेट है आपका 140 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, अपन कर सकते हैं इसको 45 भी हो सकता है, 40 भी स्टैंडर्ड रखते हैं, कहीं 43 है चलता है। तो टारगेट का जो 10 का हाइट है, जहां पे टारगेट का सेंटर आता है, वहां तक आपका 140 ग्राउंड से होना चाहिए। और सबसे ध्यान रखने वाली बात यह कि ग्राउंड से लेके जहां शूटर खड़ा हो रहा है, इसका लेवल एक होना चाहिए। अगर लेवल भी अप डाउन हो गया तब भी आपको जो है इस चीज की दिक्कत हो जाएगी, वो जो अलाइनमेंट जहां होना चाहिए एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच पाओगे। टारगेट का हाइट हो गया, उसके बाद में आ जाता है टेबल का हाइट क्या होना चाहिए। तो टेबल जहां शूटर, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये टेबल 170 to 180 सेंटीमीटर तक अपन रख सकते हैं। मैक्सिमम इसकी 1 मीटर हाइट जा सकती है, लेकिन क्या कई बार बच्चे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा छोटा चाहिए, कोई लंबी हाइट का शूटर होता है, मैक्सिमम 1 मीटर तक हम ले जा सकते हैं। 1 मीटर ले जाने के लिए, जैसे कि आप कहीं भी गए तो आपको 80 सेंटीमीटर की रेंज मिली, तो आप अपना पिस्टल का जो बॉक्स है वो रख सकते हैं, लेकिन वो फाइनल के अंदर नहीं रख पाएंगे, फाइनल में ऐसा रूल नहीं है। इसके बाद में टेबल हो गया अपना, तो अभी आया था अपना लाइटिंग। लाइटिंग कैसा होना चाहिए? ओवरऑल तो रेंज का एक नियम है कि कहीं भी शेडो नहीं बननी चाहिए, ऐसी लाइट ना हो कि शूटर की छाया किसी को भी दिखाई दे। और जहां शूटर खड़ा होता है वहां पे इसके टॉप पे 1000 लक्स यूनिट जो नाप करके इसकी लाइटिंग होती है, और टारगेट के ऊपर 1500 से 1800 लक्स जो है इसकी लक्स यूनिट हो सकती है लाइट की। इसके बाद में अपना रेंज का ऑलमोस्ट जो ध्यान रखने वाली चीज है वो यही होती है। शूटर का जो दायरा होता है वो 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का जो चौड़ाई है शूटर को मिलती है खड़े होने के लिए, वो उसमें कहीं भी जहां उसका अलाइनमेंट ठीक आ रहा है वहां अपना शिफ्ट करके खड़ा हो सकता है। तो ये हो गया अपना रेंज के बारे में कि रेंज कैसा होना चाहिए, मोटा मोटा आपको बेसिक बता दिया। घर पे भी आप अगर रेंज बनाए, रेंज में प्रैक्टिस करना चाहें, या कोई होल्डिंग कर रहा है, तो अगर आपके पास में 10 मीटर डिस्टेंस है तो उसके बाद में आप जो है वो इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आपको एक PPT दिखाई जाए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, ओके, ये हो गया अपना रेंज के बारे में आपको बता चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, करिए नेक्स्ट कीजिए। ये रेंज का आपके वो एक डायग्राम बना करके दिखाया गया है कि टेबल का हाइट जो आपको B1 दिख रहा है वो टेबल का हाइट है 70 to 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद में जो C दिख रहा है वो आपका है टारगेट वहां पे। तो
ये आपका 140 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो डिस्टेंस है दोनों चीजों के बीच में टारगेट से लेकर के और शूटर जहां खड़ा हो रहा है वहां तक, वो 10 मीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट प्लीज। ये शूटिंग रेंज है जो अपना कंडीशनिंग शूटिंग रेंज जहां पे हम खड़े हुए हैं वो शूटिंग रेंज है। इसकी जो ओवरऑल बनावट निकल के सामने आई है वो ये है आपके सामने। ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल की रेंज है जहां पे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम भी हो चुके हैं और एशियन गेम भी यहां पे चल रहा है होने का, और वर्ल्ड कप्स कई सारे हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, द फंडामेंटल्स ऑफ सेफ्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शूटिंग गेम के अंदर आ जाती है, बाकी शायद किसी गेम के अंदर सेफ्टी के बारे में इतना नहीं बताया जाता है, तो सेफ्टी के तीन फंडामेंटल हैं, जिसके अंदर की सबसे अहम जो फंडामेंटल आ जाता है कि देयर आर थ्री बेसिक रूल्स ऑफ वेपन हैंडलिंग। तो इसमें क्या है कि इस गेम के अंदर हथियारों का और अम्यूनिशन का इस्तेमाल होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ्टी का हमेशा के लिए ध्यान रखें। ऑलवेज पॉइंट द वेपन इन ए सेफ डायरेक्शन, नेवर पॉइंट एट एनीवन। इसमें क्या है कि कभी भी वेपन को मजाक में भी किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना है, चाहे वो किसी को डराने के लिए हो या मजाक करने के लिए हो, किसी भी इंसान की तरफ कभी भी पॉइंट नहीं करना होता है वेपन को। ये हमेशा आप शूटिंग गेम में आते हैं या हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ऑलवेज कीप द फिंगर ऑफ फ्रॉम द ट्रिगर। क्या है कि कई बार अपने नए आदमी को कहीं भी गन पकड़ाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसका ग्रिप पकड़ने के बाद में ट्रिगर के ऊपर उंगली लेके जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब आपको फायर करना है, जब उसको यूज करना है, उसी टाइम आप ट्रिगर को छेड़ें, या फिर ड्राई प्रैक्टिस कर रहे हैं तब उसको टच करें। उसके अलावा आपने कभी भी ट्रिगर के ऊपर फिंगर नहीं रखनी है, क्योंकि एक्सीडेंटली कभी भी फायर हो सकता है। नेक्स्ट है अपना कीप द एक्शन ओपन। हमेशा वेपन को ओपन एक्शन के अंदर रखना है, अनलोडेड रखना है, या उसके अंदर सेफ्टी फ्लैग डाल के रखना है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद में अपना एडिशनल सेफ्टी रूल्स आ जाते हैं कि एडिशनल में हम क्या क्या चीज का ध्यान रखें। तो हमेशा एक तो ट्रीट ऑल द वेपन्स एज लोडेड। कोई भी वेपन है, आपका है या दूसरे का है, तो हमेशा ये मान के चलिए कि उसमें गोली लोड है। कभी भी आपका जो है वो अगर आपने उसको इस्तेमाल किया है तो उसका मिसयूज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसके अंदर। आप नेवर ट्रांसपोर्ट ए और स्टोर ए लोडेड वेपन। कभी भी एक जगह से दूसरी जगह अगर अपन वेपन को लेके जाते हैं तो उसको कभी भी लोडेड नहीं छोड़ें कि भाई लोड करके मैं यहाँ से लेके चला गया, या मैगजीन में गोली डाल ली, या एयर पिस्टल है तो उसमें गोली डाल करके और अपन दूसरी जगह ले गए। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ना उसको घर पे रखना है लोड किया हुआ, ना लोड किया हुआ कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, इससे भी एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। कभी आप है नहीं, लोडेड गन आपने रखी हुई है, दूसरा आदमी ने उठाई और चला दी, तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। नेवर यूज ए फॉल्टी वेपन। कभी भी कोई खराब अगर वेपन है, वेपन में कोई भी अगर मिस्टेक है आपको लगता है, तो उसको यूज नहीं करना है, उसको पहले सर्विस करवानी है, उसको ठीक करवाना है, उसके बाद इस्तेमाल करें, एक्सीडेंट के चांस कम रहते हैं उसमें। यूज करेक्ट एम्युनिशन, सही एम्युनिशन इस्तेमाल करना है। कई बार जो फायर आर्म्स है उसके अंदर देखा जाता है कि बहुत पुराना एम्युनिशन है, या कोई और लोकल कंपनी का लोकल मेड कोई एम्युनिशन यूज कर दिया तो वो फट जाता है, उससे भी एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। नेवर टच अदर पर्सन वेपन विदाउट हिज परमिशन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि किसी दूसरे का वेपन है, उसने लोड करके रख दिया है, आपको पता नहीं है, आपने इस्तेमाल कर लिया उसको और गोली फायर हो गई, अब किस एंगल में किसको लग जाए इस चीज का पता नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेवर जोक अराउंड वाइल हैंडलिंग और यूजिंग वेपन। वेपन के साथ कभी भी मजाक नहीं करना है, कभी भी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया है कि मजाक में भी किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना है, या किसी को डराने के लिए, या कोई एक्टिंग करने लग जाते हैं कोई मूवी का देख करके कि स्टंट करेंगे बंदूक के साथ में, कभी भी नहीं करना है इस चीज का। नेक्स्ट आ जाता है इफ यू सी अनसेफ बिहेवियर एनी टाइम एनीथिंग एनी वेपन। किसी भी शूटर को अगर ऐसा करते हुए देखते हैं किसी को भी घर में या रेंज के दौरान या रेंज के बाहर, तो उसको हमेशा समझाना है और जरूरत पड़े तो पनिशमेंट भी देना चाहिए। रेंज ऑफिसर आपको रेंज के अंदर इस चीज के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बाकी किसी चीज में आपको छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस सेफ्टी वाले कंसर्न के अंदर आपको कभी भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, जो आपको पनिशमेंट बनता है वो मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर जो है सेफ्टी फ्लैग क्या है, जो पिस्टल के अंदर सेफ्टी फ्लैग डाला हुआ है वो हमेशा 10 मीटर के अंदर आर पार होना चाहिए। जैसे कि ये पिस्टल है, इसके अंदर सेफ्टी फ्लैग डाला हुआ है और ये एकदम पिस्टल के आर पार है पूरी बैरल के, और ये कोई भी फ्लोरेसेंट कलर, कोई भी ऑरेंज कलर या रेड कलर, ग्रीन कलर ऐसा लीजिए जो दिख जाए अपने को, दिखना चाहिए। ये हमेशा पिस्टल के अंदर डाल करके रखना है जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, रेंज के अंदर है आप उस टाइम पे। नेक्स्ट, हाँ अभी ये है कि वेन ऑन द रेंज, रेंज के अंदर है तो आपको किन सेफ्टीज का ध्यान रखना होता है। तो शूटर मस्ट फॉलो द रेंज कमांड। रेंज कमांड का मतलब क्या है कि जब आप मैच खेलने के लिए रेंज के अंदर आ जाते हैं,
उस टाइम पे आपको कभी भी बिना रेंज ऑफिसर की कमांड के या परमिशन के वेपन को हैंडल नहीं करना है, ना बॉक्स से बाहर निकालना है, ना ड्राई के लिए निकालना है, ना उसमें फायर करना है, कुछ भी आप बिना कमांड के ना करें। रेंज में घुसने के बाद आपके ऊपर पूरे जो रूल्स हैं वो रेंज के जो शूटिंग के रूल्स हैं वो लागू हो जाते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। शूटर शुड ऑक्यूपाई द लेन ओनली आफ्टर द कमांड गिवन बाय द रेंज ऑफिसर। तो आपको जब रेंज ऑक्यूपाई करने का ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद ही लाइन के ऊपर आए, ये नहीं कि आपका 10 बजे मैच है लेकिन रेंज ऑफिसर ने बोला नहीं 10:15 हो गए तब भी आप जो है जाकर के रेंज के ऊपर खड़े हो गए, नहीं। हो सकता है कि रेंज का कोई काम चल रहा हो, आगे कोई आदमी काम कर रहा हो, टारगेट चेंज किया जा रहा हो और आप जाकर रेंज पे खड़े हो जाएं, वेपन निकाल लिया तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बिना रेंज ऑफिसर के कमांड या परमिशन के कभी भी अपना लेन ऑक्यूपाई ना करें। When shooter is coming out from the firing point during the competition, shooter must take permission from the range officer or should keep the action open. ये भी बहुत सही पॉइंट है कि अब आप परमिशन लेकर के बाहर तो जा सकते हैं, मैच के दौरान भी, मैच के बाद में भी, मैच से पहले भी, लेकिन आपने वेपन जो है रेंज के ऊपर छोड़ दिया है तो उसमें उस कंडीशन में क्या करना है कि हमेशा उसको सेफ डायरेक्शन में रख के जाएं। नेक्स्ट चीज है उसमें सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट करके जाएं और रेंज ऑफिसर की परमिशन से जाएं। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस चीज को। When shooter is on the firing point, he must not disturb the other shooters. बिल्कुल इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शूटिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा बिहेवियर करें या गन को ऐसे डायरेक्शन में रखें कि दूसरा जो आपका साथी खड़ा हुआ है वो बिल्कुल भी आपके किसी भी एक्शन से डिस्टर्ब ना है। होल्डिंग एक्सरसाइज अलाउड इन द डिजाइंड एरिया ओनली। बिल्कुल सही है कि होल्डिंग भी आप किसी भी एरिया में जाकर के नहीं कर सकते। कई बार कई शूटर्स को देखा जाता है कि स्पेक्टेटर एरिया में या जहीं जहां भी अपने को खाली जगह मिली वहां जाकर ड्राई प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं मैच से पहले, तो वो भी अकॉर्डिंग टू रूल अलाउड नहीं है। जो एक नॉमिनेटेड एरिया है जहां पे आप ड्राई कर सकते हैं वो हर एक कॉम्पिटिशन के अंदर, हर एक कैंपस के अंदर एक नॉमिनेट किया जाता है कि ये एरिया के अंदर आप जो है ड्राई प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ वहीं पे जाकर के ड्राई प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा आप जो है कहीं भी ड्राई ना करें। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखें डिसिप्लिन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा। डिसिप्लिन जो है एकदम बुनियाद है आपकी। अगर आपका डिसिप्लिन ठीक रहेगा इसका मतलब आप रूल्स फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी अपना सेफ्टी के बाद में आया था इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो पिस्टल है, एयर पिस्टल जो कि मैंने आपको दिखाया है ये यूज हो रही है। आपको स्लाइड के ऊपर भी दिख रही है कि पिस्टल आपके जो स्क्रीन के ऊपर आ रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये पिस्टल है, देख रही है आपको, ये एयर पिस्टल इसको बोलते हैं। इसका सिलेंडर मूवेबल होता है, एयर कंप्रेस्ड एयर गैस इसके अंदर भरी जाती है। ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये सिलेंडर इसका खुल जाता है और सिलेंडर हमेशा जब भी आप इसके अंदर लगाएं वापस तो हमेशा थ्रेड्स का ध्यान रखिए कि इसका थ्रेड जो बैठाने का है वो एकदम प्रॉपर वे के अंदर आप बैठा रहे हो और ऊपर और सेफ डायरेक्शन करके बैठाएं और धीरे धीरे स्मूथली इसको टाइट कर दें। जैसे ये टाइट हो जाएगा तो एकदम टक की आवाज आएगी, इट मीन्स कि ये सही बैठा है। थ्रेड कई बार नए बच्चे जो होते हैं यहाँ से थ्रेड खराब कर देते हैं इसको, सिलेंडर को लोड करते टाइम पे। जब आप एयर भर रहे हैं सिलेंडर के अंदर उस टाइम भी ध्यान रखिए कि जब आप एयर भरते हैं सिलेंडर के अंदर तो इसके ऊपर आपका मुंह ना रहे कहीं भी। जब मोस्टली कई बार क्या करते हैं शूटर बड़े सिलेंडर में लगा करके गैस भर रहे हैं लेकिन इसका जो मुंह है सिलेंडर का वो खुद की तरफ डायरेक्शन कर लेते हैं, वो कभी भी नहीं होना चाहिए आपका। इस चीज का खास करके ध्यान रखें आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पिस्टल के अंदर ग्रिप आ जाती है। इक्विपमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत से शूटर्स जो है पूरा मैच कर लेते हैं, अच्छा मैच करते हैं, उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ग्रिप का क्या है कि यहाँ से लेकर के ये जो आपका पार्ट है ग्रिप का, यहाँ से लेकर के पूरा आगे तक का जो आपका एरिया है जहाँ पे आपका पूरा हाथ रेस्ट करता है ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। इसके अंदर कहीं भी ऐसी बनावट नहीं होनी चाहिए कि अपवर्ड कोई करेक्शन आप कर दें, ऐसा ना करें। ये इसको नापने का तरीका है स्केल के साथ में, ये आपको दिख रहा है यहां से लेकर के पूरा एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया है इसके अंदर कोई भी बनावट अपवर्ड नहीं होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं यहां से ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक आगे का भी पूरा 90 डिग्री। और इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें, ये वाला जो एंगल है
इसका ये अपवर्ड रहना चाहिए, ये भी डाउनवर्ड आप इसकी जो ग्रिपिंग है वो नहीं बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ये आप देख पा रहे हैं इधर का जो एरिया है ये देखिए थोड़ा सा पीछे हो जाए बस, है ना। ये आप सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें ग्रिप के अंदर, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला। तीसरी चीज जो है ग्रिप पकड़ने के बाद में आपका जो रिस्ट है वो टच नहीं होना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां से ये वाला एरिया, ये आपका रिस्ट कभी भी रिस्ट फ्री मूवमेंट रहना चाहिए, आपका फ्री मूवमेंट होना चाहिए, कभी भी कलाई को क्रॉस ना करे। आपके ग्रिप की जो बनावट है वो कलाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो आपका ग्रिप जो है वो पास है, अदरवाइज आप ग्रिप के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत से बच्चे हो जाते हैं कई बार उनको पता नहीं होता है, तो ये बड़े दुख की बात है कि पूरा मैच, इसमें आपको डायग्राम के अंदर भी समझाया गया है जो अलाउड और नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आपका शूटिंग ग्लास आई ब्लेंडर आ गया। आई ब्लेंडर का रोल है कि ये जो आई ब्लेंडर आप लगाते हैं इसको, ये 30 mm की चौड़ाई होनी चाहिए इसकी। ये जो आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप आपको दिख रहा है एक आंख को बंद करने के लिए, अगर हम आंख बंद करते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद में इसकी जो ये चौड़ाई है ये आपका 30 mm होना चाहिए, और ये जो इसकी लेंथ है नीचे की तरफ लंबाई है ये मैक्सिमम 100 mm हो सकती है, इससे ज्यादा एक्सटेंड ना करें इसको। ये आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका शूटिंग ग्लास है जिसके अंदर ये जो स्ट्रिप लगी हुई है एक आंख को बंद करने के लिए, एक में लेंस लगाने के लिए। अगर कोई ग्लासेस लगाता है, किसी की आई साइड वीक है, तो वो उसमें ग्लास लेंस लगा सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आंख एक आंख को बंद करने के लिए जो चीज आपने लगाई है वो आपकी जो है एक मेजरमेंट के तहत होनी चाहिए, 30 mm इसकी जो है चौड़ाई और 100 mm इसकी लंबाई। नेक्स्ट, ये है शूटिंग शूज, ये जूता होता है आपका। इसका सबसे बेसिक रूल ये है कि इसका आपका टखने को क्रॉस नहीं करना चाहिए, टखने से ऊपर जो है ऐसा कोई भी शूज ना हो। नॉर्मली आप स्पोर्ट्स शूज पहन करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो आपका टखना आता है ये टखने से ऊपर ऐसा कोई जूता नहीं होना चाहिए जो टखने से ऊपर जाता हो। और दूसरी चीज जो है ये 22.5 मतलब 22.5 degree तक ये जूता ऐसे मुड़ना चाहिए। जब इसको हम डिवाइस में डाल करके चेक करते हैं तो इसका सोल इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि ये 22.5 degree तक ना उठ पाए। देख पा रहे होंगे आप 22.5 degree ये जूता मुड़ना चाहिए। और जो इसका सोल की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसके सोल की, ये आपकी 10 mm से ज्यादा एक्सटेंड ना करें। इसका जो डिवाइस है चेक करने का, ये जो थिकनेस आप सोल की जो मोटाई देख रहे हैं ये 10 mm से ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मोटा इसका सोल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी जूता आप पहन सकते हैं। नॉर्मली स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं फ्लैट सोल के, बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आप ये बहुत ही कोई महंगी कंपनी का जूता खरीद के लाएं इसी से होगा। शुरू में आप मोस्टली यही ट्राई करें कि स्पोर्ट्स शूज यूज करें। और ये जो शूटिंग कैप आप देख रहे हैं ये मोस्टली क्या होती है, शूटर के जो ऊपर लाइट होती है तो उसको आंखों को ना चुभे, इसके लिए शूटिंग कैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो फोरहेड जहां से अपना माथा टच हो रहा है वहां से लेकर के इस कैप का जितना बड़ा एरिया है, जितना बड़ा इसका नॉर्मली कहें कि छज्जा है, तो वो 80 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 80 mm से एक्सटेंड नहीं करे तो वो आपकी कैप पास है, कोई भी कैप आप यूज कर सकते हैं। ये ईयर मफ है जो आपको साउंड के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, मोस्टली ये 25 and 50 meter रेंज के अंदर यूज करते हैं। और वैसे नॉर्मली ईयर प्लग होते हैं जो सॉफ्ट कॉटन टाइप के बने होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी आप 10 meter इवेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। इजी अवेलेबल है कहीं भी किसी भी स्टोर के ऊपर या स्पोर्ट्स की जो दुकानें होते हैं, स्विमिंग के सामान में ये आती है, स्विमिंग के लोग भी काफी यूज करते हैं इसको। ये है पिस्टल का केस, पिस्टल को हमेशा केस के अंदर रखें, बिना केस के अंदर डाले हुए पिस्टल को कहीं भी नॉर्मली बैग में डाल लिया या तौलिए में लपेट के कहीं दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ये काफी गलत है। पिस्टल भी इसमें डैमेज हो सकती है, पिस्टल में नमी आ सकती है और एक्सीडेंट के भी चांसेस रहते हैं, तो इस चीज का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पिस्टल को कभी भी जो है विदाउट बॉक्स के कहीं कैरी ना करें। नेक्स्ट, ये क्लीनिंग बड्स है।
क्लीनिंग वर्ड्स क्या होता है, मोस्टली बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि 10 मीटर की पिस्टल को भी क्लीन किया जाता है। ये क्लीनिंग वर्ड्स जैसे पैलेट लोड करते हैं वैसे ही पिस्टल में लोड की जाती है और एक सेफ डायरेक्शन के अंदर फायर कर दिया जाता है, जिससे कि आपके पैलेट के ऊपर जो लेड जमा हो गया या जो ग्रीस जमा हो गया, ऐसा कुछ कण जमा हो जाते हैं डस्ट के, तो वो पिस्टल की बैरल को एकदम साफ कर देते हैं। तो इसके लिए ये भी ऑलमोस्ट कोशिश करें कि हफ्ते के अंदर 2-4 ये बर्ड्स फायर कर दें अपन। नेक्स्ट प्लीज। ये टारगेट का साइज आ गया अपने कि अभी टारगेट कितना बड़ा होना चाहिए। मैनुअली जब अपन टारगेट का इस्तेमाल करते हैं मैनुअल रेंज के ऊपर, तो यही टारगेट यूज करते हैं जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं सामने। ये टारगेट आप देख सकते हैं, ये टारगेट होता है, ये है टेम्पलेट जो कि आप मेरे पीछे की जो रेंज है उसके अंदर आप देख रहे होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन अपनी यहाँ कंडीशनिंग शूटिंग रेंज के ऊपर है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये है नॉर्मली पेपर टारगेट के बारे में, तो मैं पेपर टारगेट के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका जो 10 का साइज है वो 11.5 mm का होता है, उसके बाद हर एक रिंग का साइज जो है वो 16 mm बढ़ता जाता है। और इसमें 1 से लेकर के 8 तक ऐसे सीधी मार्किंग की जाती है और टेढ़ी भी मार्किंग की जाती है, हॉरिजॉन्टल भी और ऐसे भी, और 8 के बाद में 9 की रिंग में मार्किंग नहीं होती है, 10 की रिंग में मार्किंग नहीं होती है, और 7 तक का एरिया 7 रिंग तक का एरिया इसका ब्लैक होता है। ये टारगेट आप देख सकते हैं, इसकी जो रिंग की थिकनेस है, कई जगह पे देखा गया है कि जब अपन टारगेट पेपर छपवाते हैं कहीं से प्रिंटिंग वालों से, तो हमें पता नहीं होता है कि भाई कैसा टारगेट छापते हैं, कैसा उसका वो डायमेंशन होना चाहिए, तो इसमें पूरा डायमेंशन भी दिया हुआ है, प्लस इसकी जो रिंग की थिकनेस है वो 1 से 2 mm हो सकती है, 1 mm रूल में है, मैक्सिमम 2 mm तक जा सकती, 2 mm से चौड़ी इसकी जो लाइनें हैं वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हैप्पी शूटिंग। जय हिंद, थैंक यू। आज के सेशन के अंदर जो ये चीजें थी मैंने आपको बताई हैं, अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट जो चीज बताने वाला हूँ जो कि कल हमारी छूट गई थी, वो के इवेंट्स के बारे में कि पिस्टल के अंदर हम क्या क्या इवेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली तो 5 इवेंट हैं हमारे पास में पिस्टल के अंदर जो हैं अभी ISSF अप्रूव्ड, और 2 इसके अंदर यहाँ पे 3 यहाँ पे किए जाते हैं। एक 10 मीटर के अंदर पहला हो गया 10 मीटर मैन का इवेंट और 10 मीटर वुमेन का इवेंट। अभी एक नया इवेंट स्टार्ट हुआ है मिक्स टीम का इवेंट जिसमें एक लड़का और एक लड़की खेलता है। तो 10 मीटर का इवेंट कैसे होता है मैं आपको बता दूं सबसे पहले। 10 मीटर के इवेंट के अंदर आपको 75 मिनट्स मिलते हैं मैच के लिए, और उससे पहले 15 मिनट मिलते हैं आपको प्रिपरेशन और साइटिंग के लिए। प्रिपरेशन और साइटिंग के अंदर आप अनलिमिटेड शॉट चला सकते हैं 15 मिनट के दौरान, जितना मर्जी आप चाहें शॉट चला लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैच का आपका जो टाइम आ जाता है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपको 60 गोली चलानी होती है एक एक करके। आप जितना मर्जी टाइम बैठ सकते हैं, जितना मर्जी कंटिन्यू चला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको फिक्स टाइम मिलेगा 75 मिनट्स का। उसके अंदर आपको 60 शॉट्स का मैच खत्म करना है। ये जो रूल है 10 मीटर के सभी इवेंट्स के लिए सेम है, चाहे उसके अंदर गर्ल्स कर रही हो, चाहे बॉयज कर रहा हो, चाहे उसमें यूथ कैटेगरी का शूटर है, चाहे उसमें जूनियर कैटेगरी का है या सीनियर कैटेगरी का है, ये किसी भी कैटेगरी के लिए चेंज नहीं होता है। अब मिक्स टीम का जो इवेंट है उसके अंदर थोड़े से चेंज है, उसके अंदर 40 शॉट ही चलाते हैं, 50 मिनट का टाइम मिलता है और 40 शॉट उसके अंदर चलाने होते हैं एक कैंडिडेट को। उसके बाद जो गर्ल्स और बॉयज दोनों है वो 40-40 शॉट अपना चलाते हैं, दोनों का कंबाइंड एड करके उसके बाद उनकी जो है टीम की रैंकिंग निकाली जाती है। सेम ऐसा ही 50 मीटर रेंज के अंदर जो पिस्टल का इवेंट होता है उसके अंदर भी सेम ही चीजें हैं, वहां पे डिस्टेंस बढ़ जाता है लेकिन जो टाइमिंग है वो वहां पे चेंज है। वहां पे 1 hour and 30 minutes आपको दिए जाते हैं इसके पूरे मैच के लिए। 60 शॉट का मैच वहां भी होता है, एक गोली के 10 पॉइंट होते हैं, 600 पॉइंट्स का अपना मैच हो गया, और 15 मिनट प्रिपरेशन एंड साइटिंग टाइम जो है वो वहां भी सेम है। उसके बाद आते हैं अपन 25 मीटर के ऊपर। 25 मीटर के अंदर मेंस का जो इवेंट होता है वो ओलंपिक इवेंट है अपना, 10 मीटर के अंदर भी मैन वुमेन दोनों ओलंपिक इवेंट है। 50 मीटर का जो मेंस का इवेंट है वो ओलंपिक इवेंट नहीं है, पहले ओलंपिक इवेंट था लेकिन पिछले ओलंपिक से उसको ओलंपिक के इवेंट से बाहर कर दिया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम में वो इवेंट अभी भी चालू है लेकिन ओलंपिक के लिए वो नहीं है अभी। 25 मीटर के अंदर क्या होता है, 25 मीटर के अंदर मेंस का इवेंट है रैपिड फायर, 0.22 रैपिड फायर इवेंट, जो कि एक ओलंपिक इवेंट है और इंडिया के पास में उसके अंदर मेडल भी है। कैप्टन विजय कुमार ने उसके अंदर सिल्वर मेडल लिया था 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर, तो
बहुत ही अच्छा इवेंट है, इंटरेस्टिंग इवेंट है, ऐसा कहें कि पिस्टल के अंदर सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग और एक कहें कि हार्ड इवेंट अगर कहा जाए, टेक्निकल इवेंट कहा जाए, तो यही इवेंट है। इसके अंदर क्या होता है, तीन स्टेज होती हैं 20-20 गोली का। एक बार में जब गोली फायर होती है तो मैगजीन लोड होती है और 5 गोलियां उसके अंदर लोड की जाती हैं। 25 मीटर का डिस्टेंस होता है, जैसे कि आप समझ गए 25 मीटर रेंज का मतलब 25 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद में 5 गोली एक मैगजीन में लोड होगी, 5 गोली आपको चलानी होती है 8 सेकंड के अंदर, और ऐसे करके आपको 4 बार चलानी होती है। आपके लिए अलग अलग टारगेट होता है, उसके अंदर 5 टारगेट होते हैं, 5ों टारगेट के ऊपर आपने एक एक गोली हिट करनी होती है 8 सेकंड के अंदर। तो आपने 5-5 गोली 4 बार चलाई तो 20 गोलियां आपकी खत्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है 6 सेकंड की सीरीज, तो वैसे ही सेम जैसे आपने गोली चलाई है इसके अंदर 8 सेकंड में, सेम वही तरीका है, लेकिन उसके अंदर आपको टाइम सिर्फ 6 सेकंड का मिलेगा। और उसके बाद आ जाता है 4 सेकंड, सेम चीज है लेकिन आपको 4 सेकंड मिलेंगे। टारगेट वही 5 अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, आपको 5 गोलियां फायर करनी है 5 अलग अलग टारगेट के ऊपर, और टाइम हो गया आपका 4 सेकंड। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 मिनट में एक गोली नहीं चलती, वहां 5 अलग अलग टारगेट के ऊपर 5 गोलियां चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कहते हैं कि प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। यह ओलंपिक इवेंट है, इसका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वहां पे जो ओलंपिक इवेंट है वो गर्ल्स का है, जो स्पोर्ट्स पिस्टल जिसको बोला जाता है, वो भी .22 की गोली से ही होता है। और उसके अंदर दो स्टेज, दो तरह का मैच खेला जाता है, दो तरीके से वो मैच पूरा होता है, एक प्रिसीजन और एक ड्यूलिंग जिसको रैपिड फायर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि टारगेट के ऊपर नॉर्मली वहां पे 5 सीरीज लोड की जाती हैं, 5 सीरीज के लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, जो प्रिपरेशन एंड साइटिंग टाइम है वो 5 मिनट का मिलता है। उसके बाद में 5 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाता है एक सीरीज फायर करने के लिए। एक सीरीज के अंदर आपकी 5 गोली लोड हो गई और आपने 5 मिनट में एक एक करके 5 गोली चलानी है। ऐसे करके आप 6 सीरीज चलाओगे तो आपकी 30 शॉट्स हो गए, आधा मैच हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रैपिड फायर या ड्यूलिंग आ जाता है, उसके अंदर आपका 3 सेकंड के लिए आपके पास में एक्सपोजर आता है, 5 गोली कंटिन्यू फायर करनी होती है। आपका हाथ 45 डिग्री पे रहता है, 3 सेकंड के लिए आपको एक्सपोजर मिला, आपने गोली चलाई, फिर 45 डिग्री पे आ गए, फिर नेक्स्ट शॉट के लिए गए। तो ऐसे करके 5 शॉट कंटिन्यू चलाने होते हैं, 5-5 करके आपने जो है 30 शॉट चला दिए, 60 शॉट हो गए। दोनों को कंबाइंड करके आपका जो है वो स्कोर निकाला जाता है। उसके बाद फाइनल्स होते हैं, फाइनल्स का हम आपको एडवांस लेवल पे बताएंगे। नेक्स्ट यही जो इवेंट है सेम तरीके से स्पोर्ट पिस्टल इवेंट, वैसे तो मेंस के लिए नहीं है, लेकिन जो जूनियर लड़के हैं उनके लिए ये इवेंट दिया गया है। जूनियर्स के जो बॉयज हैं वो यही सेम इवेंट .22 की गोली से, सेम टाइमिंग, सेम तरीका, सेम स्कोरिंग और सब कुछ सेम रहता है, ये बॉयज के लिए भी है। यही इवेंट सेम तरीके से फायर सीनियर मेंस में किया जाता है, लेकिन उसमें गोली का साइज चेंज हो जाता है। वहां पे गोली जो है .22 की बजाय .32 की कैलिबर की आ जाती है और वो अपने को फायर करनी होती है। सेम वही तरीके से वही टाइमिंग मिलता है, वही 5 मिनट का साइटर मिलता है। साइटर डूलिंग में जाते हैं तो दोबारा से मिलता है इसमें, दोनों इवेंट के अंदर ही, स्पोर्ट पिस्टल में भी, सेंटर फायर के अंदर भी। और टाइमिंग वही 3 सेकंड के अंदर एक्सपोजर मिलता है, उसमें 30 शॉट्स वाला जो डूलिंग फायर बच जाता है उसके अंदर। उसके बाद में आ जाता है कि मेंस का, सीनियर मेंस का और जूनियर मेंस का एक कंबाइंड इवेंट है स्टैंडर्ड पिस्टल। उसके अंदर भी 3 तरह की स्टेज होती है। साइटर के लिए वही आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, 5 गोली साइटर कर ली, उसके बाद में आपको सॉरी उसमें साइटर जो है आपको 250 सेकंड्स मिलते हैं, 5 गोली लोड की जाती है, 250 सेकंड के अंदर 5 गोली चलानी है, मतलब कि एक सीरीज चलानी है, और ऐसे करके आपको क्या नाम 20 गोली चलानी होती है। 20 गोली आपने खत्म कर दी, उसके बाद में आपका 20 सेकंड आ जाता है, 150 सेकंड और 20 सेकंड और उसके बाद में 10 सेकंड। तो सेम वही 5 गोली का एक सीरीज होता है, आपको एक्सपोजर वही एक सेम मिलेगा। उसके 20 सेकंड के अंदर आपने 5 गोली चलानी है और उसके बाद में 10 सेकंड के अंदर 5 गोली चलानी है। ओम प्रकाश जी, हाँ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रेज्ड। अंशिता सिंह ने क्वेश्चन रेज किया है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अलाइनमेंट पार्ट ऑफ द टारगेट। Is it on a different height for every shooter? As height of every shooter is different. तो ये जो आपका starting के top पे fundamental था, so I got it sir, बिल्कुल। तो इनको आप please clear करें अंशिता। बिल्कुल, बहुत अच्छा question है, समझ गया मैं। आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर किसी shooter की height कम ज्यादा है तो उसके सबके लिए same alignment रहेगा क्या? बिल्कुल, target का जो base है वो जो rule है ISSF के according,
वो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे सूत्र 4 फीट का है चाहे सूत्र 6 फीट का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उससे आपके एंगल में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर अगर आप 10 mm भी डाउन करेंगे, यहाँ पे अगर 1 mm आप हाथ को डाउन करेंगे तो वहां 10 mm का फर्क पड़ जाएगा, और मेरे ख्याल से इतना ही वहां पे फर्क पड़ता है। तो आपका जो रेंज बनाने का तरीका है या रेंज का आप मेजरमेंट समझना चाहते हैं, तो जो टारगेट आपको दिख रहा है उसके सेंटर का हाइट ग्राउंड से 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। टारगेट के सेंटर का हाइट ग्राउंड से 140 सेंटीमीटर होगा, और जहां शूटर खड़ा हुआ है वो जो टेबल का हाइट है वो 70-80 सेंटीमीटर होगा। अब मेन चीज आपको ये लग रहा होगा किसी की हाइट कम है तो वो इसको कैसे मैनेज करेगा, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब शूटर पिस्टल उठाएगा, चाहे वहां पे एक 6 फीट वाला पिस्टल उठा रहा है और एक 4.5 फीट वाला शूटर अगर पिस्टल उठा रहा है, तो उनके एंगल में आप अगर देखेंगे तो आपको कोई खास फर्क नहीं नजर आएगा, वो अपने आप एंगल वहां पे बन जाता है, उसकी आपको कोई भी ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है कि वो कैसे होगा। आपको समझ आया है या फिर और कुछ आप समझना चाहते हैं बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, रायना गगन प्रकाश जी का है। सर, इज इट कंपलसरी टू हैव योर ओन पिस्टल? यस, दिस इज कंपलसरी। वैसे तो क्या है कि एनआरआई के अंदर एक हमने रूल के अंदर थोड़ी सी छूट दे रखी है कि एक आदमी जो है पिस्टल शेयर कर सकता है, लेकिन एक ही आदमी से कर सकता है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप जिस एकेडमी में कर रहे हैं, कई एकेडमी पिस्टल प्रोवाइड करवाती हैं, कई जगह पे नहीं करवाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो यही है कि आपकी इंडिविजुअल पिस्टल होनी चाहिए मैच के दौरान। लेकिन नेशनल के अंदर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि बहुत रूरल एरिया से भी आते हैं, हर आदमी खरीद नहीं पाता है, तो इसके लिए आप है कि एक बार आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जब डिटेल्स मिलती है मैच करने के लिए तो हो सकता है कि आप जिस आदमी से शेयर कर रहे हैं उसका भी आप ही के साथ में मैच आ गया हो। तो ये जो चीज है आप फेडरेशन को सिर्फ एक बार बता सकते हैं कि मेरी पिस्टल शेयरिंग है, और वो भी आपको बहुत पहले बताना पड़ता है कि मेरी शेयरिंग पिस्टल है, मेरे को इस शूटर के साथ में कंबाइंड एक ही डिटेल में मैच मत देना। तो लेकिन ये एक ही बार हो सकता है, और ये ऐसा कोई रूल में नहीं है, ये जस्ट ये है कि एक शूटिंग को प्रमोट करने के लिए और शूटर्स की समस्याओं को समझते हुए ये निर्णय लिया गया है। वैसे आपकी इंडिविजुअल हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर 9 मीटर पे टारगेट लगाए तो वो प्रॉपर है क्या? नहीं, घर में डिस्टेंस सिर्फ 9 मीटर का है, so somebody wants to set up a range at 9 meters घर के लिए तो बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि 9 मीटर डिस्टेंस के ऊपर अगर अपन रेंज लगा रहे हैं, डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोई आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, 9 मीटर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल तो देखिए 10 मीटर ही है, लेकिन 9 मीटर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, जो 7th रिंग है आपकी उसको आप आधा, 7th रिंग को आप आधा उससे कर दीजिए, व्हाइटनर से मार्क कर दीजिए, उसका जो ब्लैक एरिया है उसको छोटा कर दीजिए, तो आपको 9 मीटर के ऊपर भी 10 मीटर वाली फीलिंग आ जाएगी। वही साइट अलाइनमेंट आपको मिलाना पड़ेगा, वही आपको डिफिकल्टी वहां पे हो जाएगी। जितना आप डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं रेंज का, उतना ही आप उसका टारगेट का साइज और 10 का और जो ब्लैक एरिया है उसका साइज छोटा करते जाइए, तो आपको वही फीलिंग वहां पे आ जाएगी, वही मेजरमेंट निकल करके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। व्हिच पिस्टल इज मोर बेटर, स्टायर और मोरेनी? क्वेश्चंस व्हिच आई कैन, ये तो पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, और ऐसे किसी कंपनी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, ये एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, इलीगल कमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं अपना बताऊं, मैं 20 साल से मोरिनी यूज कर रहा हूं, तो आप समझदार समझ सकते हैं। अच्छा, एक अक्षय कुमार हैज सेंट अ क्वेश्चन, प्लीज टेल अस द बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग अ शूटिंग डायरी। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अक्षय कुमार का। देखिए, डायरी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, कोई भी कितनी भी बड़ी संस्था हो, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे अगर किसी चीज का लेखा जोखा ना रखा जाए तो क्या है कि जब हम उसके पीछे जाते हैं, जब हमें कभी अपने आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, तो हम उन चीजों को वापस नहीं निकाल सकते। कि मान के चलिए कि आज आप 575 का स्कोर शूट कर रहे हैं, अगले 6 महीने तक कंटिन्यू यही कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप 565 मारने लग गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उस 6 महीने में क्या कर रहा था जब मैं 75 का स्कोर कर रहा था? तो उन सब चीजों पे वापस कम बैक आने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को देखने के लिए कि भाई मैं ये चीज आज के दिन कर रहा हूँ तो ये मेरा स्कोर को इम्प्रूव कर रही है, मैं क्या डाइट खा रहा हूँ, मैं कितना बजे सो रहा हूँ, मैं कितने घंटे की नींद ले रहा हूँ,
उसके बाद मेरा आज मेंटल ऑफ स्टेट क्या है, मेरी पल्स रेट आज कितनी है, मेरी बीपी कैसी है, उसके बाद मैंने कितने घंटे होल्डिंग किया, ड्राई मैंने कितने देर किया, कितने शॉट्स फायर किए, मैंने शॉट्स किस किस तरीके से फायर किए, ये सब चीजें आप अगर डायरी में नहीं लिखेंगे, डायरी के ऊपर मैं जो टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे तो उसमें क्लास लेने वाला था, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये चीजें आपके पास लिखित में रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप अपने आप को एनालाइज कैसे करेंगे आगे जाकर के। इसलिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आपके पास में आपने क्या किया इस चीज का इतिहास नहीं है तो आप आगे जाकर के उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आंकड़े चाहिए होते हैं एनालाइज करने के लिए। तो आपके आंकड़े आपकी डायरी बताएगी। आप क्या जब आपका कोच देखेगा या जो भी कोई एनालाइज करने वाले बंदे से आप डिस्कस करोगे, तो डॉक्टर भी आजकल पास्ट हिस्ट्री देखता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास में गए हो तो पास्ट हिस्ट्री देखता है। तो ये डायरी आपकी पास्ट हिस्ट्री है, ये आपको बताती है कि आपने क्या किया तब आपका क्या रिजल्ट आया। होप कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमारा अगले दिनों के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बच्चों ने काफी लिखा हुआ है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, होल्डिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, ये सारा कुछ आपका कल परसों जो आपके तीन बाकी के तीन क्लासेस हैं उनके अंदर कवर किया जाएगा कि नेक क्यों गिर रही है लेफ्ट को, उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करनी है, कोच आप सब कुछ आपको बताएंगे। एंड एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम लोग ने तैयार किया है और इस टॉपिक के ऊपर उसको शेयर करने के लिए, तो यस वी विल पुट इट अप ऑन द साई वेबसाइट एंड वी विल क्रिएट अ लिंक, वहां से ये प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो कल हम आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास हमको खत्म करनी है एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन टुमारो मॉर्निंग एंड वी ओम प्रकाश जी कल के आपके टॉपिक्स के बारे में बच्चों को यू कैन जी कल का मैं बता देता हूँ कि हो सकता है यस्टरडे और आज वाला जो टॉपिक है काफी बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगा हो, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ शूटिंग है, गेम का हिस्सा है। आपको हिस्ट्री पता होना भी जरूरी है, रेंज के बारे में पता होना भी जरूरी है। हो सकता है कहीं कोई ऐसी रेंज पे आपको कंपटीशन करवा दिया जाए जिसका 12 मीटर डिस्टेंस हो या 8 मीटर डिस्टेंस हो, तो आप एटलीस्ट आपको कानून या रूल पता है, आपको आपका हक पता है कि मेरे को 1 मीटर का डिस्टेंस मिलना चाहिए, मेरी रेंज 10 मीटर ही होनी चाहिए, मेरा टारगेट 140 सेंटीमीटर से 145 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये आपको पता है तो आप डिमांड कर सकते हो कि नहीं रूल में ये मेरे को इतना पे दीजिए, टारगेट मेरे को ज्यादा हाइट में लग रहा है, नाप के दिखाओ। इसलिए आपको हमने ये चीजें बताई हैं, तो आपको पता होना जरूरी है, ये भी पार्ट ऑफ इस गेम का था। नेक्स्ट कल हम आपको, कल और परसों दो दिन हम आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज देने वाले हैं कि टेक्निकली शूटिंग कैसे की जाती है, खड़ा कैसे होना है, ग्रिप कैसे बनानी है, ट्रिगर कैसे चलाना है, नेक पोजिशन क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पोजिशन क्या होना चाहिए, एवरीथिंग स्टार्टिंग टू एंड। कल जो दो दिन की क्लासेज हैं वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जो 19th को जो क्लास होने वाली है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि शूटिंग से रिलेटेड क्या क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे, क्या उसमें मेडिटेशन होता है, क्या फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है, क्या इसके अंदर आपका जो आपको कई मेंटल एक्सरसाइज की टिप्स हैं, योगा क्या क्या हेल्प करता है, कौन कौन से योगा के आसन करने चाहिए, वो सब हम आपको लास्ट क्लास में बताएंगे। कल और परसों आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज, कल परसों के लिए मेरा आपको खुला एकदम इनविटेशन है कि जितने भी आपके सवाल हों शूटिंग से रिलेटेड वो आप पूरे के पूरे सवाल लिख करके रखें और शुरू से ही मेरे को सवाल देना शुरू कर दें। पॉइंट वाइज मैं जाऊंगा, जिस पॉइंट से रिलेटेड आपका सवाल है उसी पॉइंट के ऊपर आप जो मैं पढ़ाने जाऊंगा, जैसे कि मैं अगर ग्रिप का बता रहा हूँ, ग्रिप से रिलेटेड सवाल है तो उसी टाइम पे आप ग्रिप का सवाल करें, पोजिशन से रिलेटेड है तो पोजिशन, हर एक पॉइंट के बाद में मैं आपको क्वेश्चन पूछते जाऊंगा। तो आप अपने सवाल रेडी रखें, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।